हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर वन का एक इंग्लिश का पेपर, और ये पेपर 5/8/2017 को कंडक्ट हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। तो इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, और इन क्वेश्चंस की मदद से आपको आइडिया लगेगा कि सीजीएल 2018 में प्री में और मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखें, ध्यान से देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये एरर के क्वेश्चन हैं, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन हैं, और एसएससी एग्ज़ाम में बेसिक एरर्स पूछी जाती हैं, उसमें ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आपके चेक किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं, माई सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन कोलकाता हैज़ कम टू स्टे विद अस। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। देखिए, यहाँ पर लिप्स लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका सिंगुलर होना ज़रूरी है, तभी यहाँ पर वर्ब में एस लगा हुआ है। अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए इस लॉज में से आपको एस हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जितने भी ये वर्ड हैं, ये हैं कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें ये जो एस लगाया जाता है, ये चीफ वर्ड यानी मेन वर्ड में लगाया जाता है। तो इसमें यदि सिस्टर इन लॉ का आपका प्लूरल बनाना है तो आप लॉ में एस नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे सिस्टर में एस। ठीक है, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इसमें आप यहाँ पर इसमें एस लगाएंगे। तो एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसमें एस नहीं लगाना है आपको, आपको केवल इसमें एस लगाना है। तो यहाँ पर जो गलती है आपकी वो फर्स्ट पार्ट में है, और आपका आंसर होगा इसमें ए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय, मतलब इस तरह के कपड़े थोड़े से एक्सपेंसिव हैं मेरे लिए। देखिए, इसमें दो वर्ड होते हैं, एक होता है क्वाइट और एक होता है रादर। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ही इज़ क्वाइट राइट, मतलब है काफ़ी हद तक सही है। तो क्वाइट का जो निगेटिव इक्विवेलेंट होता है वो होता है रादर। इसको हम रेदर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम रादर पढ़ते हैं, और इसको हम नॉर्मली नेगेटिव सेंस में या कोई आश्चर्य जताने के लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। क्वाइट का ये इक्विवेलेंट है, काफ़ी हद तक इसका मतलब होता है। रादर एक्सपेंसिव मतलब काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव है ये मेरे लिए। और रादर को हम जैसे जैसे क्वाइट को हम लगाते हैं, क्वाइट राइट या प्रिटी प्रिटी गुड, उसी तरीके से रादर का यूज़ होता है। एडजेक्टिव से पहले हम इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्लोथ्स जो है वो प्लूरल है, और ये भी यहाँ पर प्लूरल है, तो ये वर्ब यहाँ पर सही है, क्लोथ्स भी यहाँ पर सही है। एक होता है क्लॉथ जो कि कपड़ा होता है, और एक होता है क्लोथ्स। क्लोथ्स का अर्थ होता है सिले हुए कपड़े, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लोथ्स, जो पहनते हैं हम, और क्लॉथ होता है एक कपड़े का टुकड़ा। तो इन दोनों के उच्चारण में भी डिफरेंस है और इन दोनों की मीनिंग में भी डिफरेंस है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स, इस तरह के कपड़े, तो काइंड जो है ये अपने आप में एक नाउन है, और नाउन जो है ये सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। तो चूंकि दीज प्लूरल है, इसलिए काइंड ना बोलते हुए यहाँ पर हम बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे काइंड्स, यानी यहाँ पर आपको एस और लगाना पड़ेगा, दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। यदि यहाँ पर दिस होता तो हम यहाँ पर काइंड लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर दीज है तो यहाँ पर हम काइंड्स का प्रयोग करेंगे, और इसमें भी आपका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, द एम्प्लॉय डिड नॉट टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द मैनेजर, मतलब एम्प्लॉय ने मैनेजर को, मैनेजर के आर्ग्यूमेंट को मानने से इनकार कर दिया। यहाँ पर जो आपको वर्ड चाहिए वो होगा किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना या मानना, ठीक है। और यहाँ पर दो लॉजिक आपको देखने होते हैं, एक तो आपको वर्ड देखना होता है, और एक आपको ये देखना होता है कि किस वर्ड के साथ ये पर्टिकुलर प्रपोजिशन मैच कर सकता है। तो कंसीड जो वर्ड है उसके साथ ये टू वर्ड भी जा सकता है, और कंसीड का अर्थ होता है मानना। द एम्प्लॉय डिड नॉट कंसीड टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द मैनेजर, मतलब एम्प्लॉय ने मैनेजर के आर्ग्यूमेंट को मानने से मना कर दिया, कंसीड नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर कंसीड वर्ड सही रहेगा। प्रीसीड का अर्थ होता है पहले वाला, रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना, और एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज़ से ज़्यादा होना, ठीक है। सपोज जैसे आपका टारगेट 5 है और आपने 6 कर दिया, तो आप एक्सीड कर गए अपने टारगेट को, तो उस सेंस में हम एक्सीड वर्ड का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा कंसीड। तो आपको
बहुत डेप्थ में जाके और बहुत गहराई से कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है यदि आप एसएससी में निकलना चाहते हैं। मतलब आपको क्वांटिटी वाइज भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और क्वालिटी वाइज भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल के लिए हमारा एक टारगेट बैच भी चल रहा है, सीजीएल टीयर 1 और टीयर 2 के लिए। निश्चित सफलता के लिए इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जीके के लिए और इंग्लिश के लिए। और इन सभी टारगेट बैच का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके टारगेट बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग मुझसे आप बात भी कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है यहाँ पर, और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस बैच को आप टीयर 1 के लिए एक्सक्लूसिवली और टीयर 2 के लिए, टीयर 3 के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वॉज सोर्न एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री। ये फिलर के कुछ क्वेश्चन हैं और 2017 में ये पूछे गए हैं। देखिए, स्वेयर जो होता है, SWEAR, SWEAR, स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना, ठीक है। लेकिन इसका एक मतलब और होता है शपथ दिलाना। जब किसी मिनिस्टर को शपथ दिलाते हैं तो उसको भी हम स्वेयर बोलते हैं। लेकिन इसके साथ जो प्रपोजिशन आता है वो आता है इन, सॉर्न इन इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, सॉर्न इन, ही वॉज सॉर्न इन। सॉर्न इन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम इसको थर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, ये सिमिलर वर्ड पूछे जा रहे हैं आपसे और इसी तरीके का पैटर्न आपको एसएससी एग्जाम प्री में और मेंस में देखने को मिलेगा कि दो क्वेश्चन आपके एरर के होंगे, दो क्वेश्चन फिलर के होंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम के होंगे, एक क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस का होगा, एक नरेशन का होगा, एक स्पेलिंग एरर का होगा। तो इस तरीके से पैटर्न आता है आपका। सिमिलर वर्ड इसमें हम देखेंगे कैंटेन कैरस, ये एक अच्छा वर्ड है कैंटेन कैरस, और कैंटेन कैरस का अर्थ होता है जो बहुत झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है, उसको हम बोलते हैं कैंटेन कोरस, ये एक एडजेक्टिव है। और क्वेरल सम इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। ह्यूमरस मतलब जो थोड़ा फनी है, रिमोर्सफुल जो दुखी है या पश्चाताप हो रहा है, और डलनेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर इसमें होगा क्वेरल सम, कैंटेन कैरस। इसकी स्पेलिंग भी आप देख सकते हैं, इस तरह की स्पेलिंग्स भी एसएससी एग्जाम्स में कॉमनली पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सिमिलर वर्ड कॉनिसर, और इसकी स्पेलिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछी गई है 2017 में, ये कई शिफ्ट में पूछी गई है। CONNOISER, कॉनिसर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, आर्ट हो, कल्चर हो, टेस्ट हो, उसका एक एक्सपर्ट जज। एक्सपर्ट को हम डिसर्निंग भी बोलते हैं, डिसर्निंग का अर्थ होता है किसी चीज़ को जल्दी से परसीव करने वाला, ठीक है। तो डिसर्निंग जज इसका सही आंसर होगा। और डिसाइसिव का अर्थ होता है निर्णय लेने वाला, अनसिविलाइज्ड मतलब वेल मैनर्ड, अनसिविलाइज्ड मतलब जिसमें मैनर्स नहीं है, और नैरो माइंडेड, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका डिसर्निंग जज। यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड बताना है, और ये वर्ड मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर भी पढ़ा चुका हूँ और अपनी ई क्लासेस में भी पढ़ा चुका हूँ। न्यूगेटरी का अर्थ होता है जो जो वर्थलेस है, जो यूजलेस है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम बोलेंगे न्यूगेटरी। और इसका एंटोनिम होगा आपका प्रोडक्टिव, मतलब जो यूजफुल है, ठीक है। अनरियल नहीं होगा, फ्यूटाइल का अर्थ होता है अनप्रोडक्टिव, तो फ्यूटाइल तो इसका एक्चुअली सिनोनिम हो जाएगा, और डिल्यूसिव जो आपको भ्रम में डालता है, ठीक है। तो द करेक्ट एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड इज प्रोडक्टिव, दैट इज यूजफुल। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपोजिट वर्ड नाइव, क्या मतलब है इसका? नाइव का अर्थ होता है एकदम सीधा साधा, जिसको कोई भी उल्लू बना सकता है, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं नाइव। और आर्टफुल जो होगा वो इसका एंटोनिम होगा। कैंडिड होता है फ्रैंक, क्रेडुलस, क्रेडुलस एक्चुअली इसका सिनोनिम होगा। क्रेडुलस का अर्थ होता है जिसको जिसको बेवकूफ बनाया जा सकता है, और सिंसियर। तो नाइव का जो एंटोनियम होगा वो होगा आपका आर्टफुल। ये एक इडियम और फ्रेज यहां पर पूछे जा रहे हैं आपसे, मीली माउथ। मीली माउथ का क्या मतलब है? मीली माउथ का मतलब है कि आप कोई बात आप बोलना चाहते हैं और आप में हिम्मत नहीं है उस बात को सही तरीके से बोलने के लिए, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मीली माउथ। मील का अर्थ होता है खाना खाना,
तो यदि आप खाना खा रहे हैं तो आप किसी चीज़ को क्लियरली नहीं बोल पाएंगे। तो वही इसका मतलब होता है कि हिम्मत दिखाना, किसी किसी चीज़ को स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोलना। यहाँ पर आप मीनिंग देख सकते हैं, नॉट ब्रेव इनफ टू से व्हाट यू मीन डायरेक्टली एंड ऑनेस्टली। ठीक है, आप में हिम्मत नहीं है डायरेक्टली और ऑनेस्टली किसी चीज़ को बोलने की, तो उसको हम बोलते हैं मीली माउथ। लेकिन यहाँ पर उस तरीके का ऑप्शन नहीं दिया है, और उससे मिलता जुलता ऑप्शन यहाँ पर दिया है सॉफ्ट स्पोकन। हालांकि ये थोड़ा सा एकदम सही आंसर नहीं है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिए हैं, तो ऑप्शन में केवल यही दिया है, तो इसके हिसाब से तो इसका आंसर सॉफ्ट स्पोकन ही होगा। हालांकि इसका सही आंसर है नॉट ब्रेव इनफ टू से व्हाट यू मीन डायरेक्टली एंड ऑनेस्टली। बाय फिट्स एंड स्टार्स, ये तो मैं काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। बाय फिट्स एंड स्टार्स का मतलब होता है किसी काम को इरेगुलर तरीके से करना, ठीक है, अनियमित तरीके से करना। यहाँ पर ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन हैं, और ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, इस पार्ट को आपको इम्प्रूव करना है, और यदि ये पहले से ही सही है तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉट ओनली जो है ये कोरिलेटिव कंजक्शन है, और नॉट ओनली जो है ये किसके साथ जुड़ता है, ये जुड़ता है बट ऑल्सो के साथ। तो कोरिलेटिव कंजक्शन में एक पार्ट के बाद जो जो चीज़ आती है वही दूसरे पार्ट के बाद आनी चाहिए, ये इसका एक बेसिक रूल है। तो यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद एक प्रपोजिशन आ रहा है और ING फॉर्म आ रही है, तो नॉट ओनली के बाद भी वही चीज़ आनी चाहिए। तो इसको आप सही कैसे करेंगे, आई हैड हेल्प आप पहले रख देंगे, हेल्प यदि आप पहले कर देंगे तो आई हैड हेल्प नॉट ओनली बाय गिविंग हो जाएगा। तो बाय एक प्रपोजिशन है और गिविंग एक ING फॉर्म है, तो यहाँ पर प्रपोजिशन और ING फॉर्म का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और यहाँ पर भी प्रपोजिशन और ING फॉर्म का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो हेल्प हर मतलब इसमें हेल्प जो है वो आप पहले रख सकते हैं, उससे ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। आई हैड हेल्प हर नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विथ प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा, और इसमें आपका सही आंसर होगा बी। ये नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं, और इसमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को इस तरीके से 2017 में पूछा गया है, और 2018 में भी इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, वी हैव फिनिश्ड आर लंच हाफ एन आवर अगो, आधे घंटे पहले। आधे घंटे पहले इसका मतलब है कि ये पास्ट टेंस है, ठीक है, ये आपका पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में हम हैव का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे केवल V2 का, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर फिनिश्ड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिवरेंटली अबाउट सेक्रेट थिंग्स। सेक्रेट थिंग्स का मतलब होता है पवित्र चीज़ें, जैसे रामायण महाभारत किताबें हुई, नदियाँ हुई, भगवान की मूर्तियाँ हुई, मंदिर हुए, ये होते हैं सेक्रेट थिंग्स, पवित्र चीज़ें। तो इसके बारे में यदि आप अपमानजनक तरीके से बोलते हैं, इररेवरेंटली अपमानजनक तरीके से बोलना, तो इसको हम बोलते हैं ब्लैसफेमी। ब्लैसफेमी इसके लिए सही वर्ड है, ठीक है। बेलिकोज मतलब लड़ना, जो लड़ाकू होता है उसको हम बोलते हैं बेलिकोज। एथीस्ट मतलब नास्तिक होता है, और डिफेक्शन होता है, ये एक पॉलिटिक्स का वर्ड है जिसका अर्थ होता है दल बदल, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉज बने हुए हैं, ठीक है, आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आपका ब्लैसफेमी, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिवरेंटली अबाउट सेक्रेट थिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता है उसको हम क्या बोलेंगे, ईगोइस्ट। जो ईगोइस्ट का मतलब होता है जो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है उसको हम बोलेंगे ईगोइस्ट, और ईगोटिस्ट जो अपने बारे में बात करता है, इसको आप टॉकिंग को आप इसके टी से जोड़ सकते हैं, इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। इलीट मतलब जो जो हाई क्लास सोसाइटी का जो हाई क्लास वर्ग होता है उसको हम बोलते हैं इलीट। इमेटिक एक दवाई, इमेटिक एक सब्सटेंस होता है मेडिसिन में जिससे आपको वॉमिट हो जाती है। यहां पर सही आंसर होगा आपका बी, दैट इज ईगोटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, ENTREPRENEUR, एंटरप्रेनर की स्पेलिंग सही है, REMUNERTION ये भी सही है,
अप्रेंटिस की स्पेलिंग भी सही है तो ये स्पेलिंग गलत होना चाहिए, SOBER EI होता है इसमें, एक्चुअली SOBER EI होता है, इसमें IE दिया है इसलिए इसका आंसर होगा डी। चेंज द वॉइस, व्हाई डू यू वेस्ट मनी, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस डूडस के लिए हम SMR का प्रयोग करते हैं। व्हाई इज मनी वेस्टेड बाय यू, ये इसका सही आंसर आपका होगा। पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और SSC में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए भी दे सकते हैं और डायरेक्ट पैसिव वॉइस भी आपको दे सकते हैं। यदि पैसिव है तो आपको एक्टिव में चेंज करना है, एक्टिव है तो आपको पैसिव में चेंज करना है, तो ये आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा किस वॉइस में सेंटेंस को दिया गया है। ये आपका नरेशन का एक क्वेश्चन है, द डॉक्टर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो इसमें डॉक्टर पूछ रहा है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन है और इसका कैन का यहाँ पर कोड हो जाएगा, ठीक है, व्हाट कैन आई, तो आई जो है ये इसके साथ जुड़ेगा डॉक्टर के साथ और डॉक्टर का इक्विवेलेंट होगा ही, इसलिए इसके लिए हम ही लगाएंगे। द डॉक्टर वॉन्टेड टू नो वॉट ही कुड डू फॉर हर, ठीक है, द डॉक्टर सैड, नहीं, द डॉक्टर वंडर्ड, वंडर्ड भी हो सकता है लेकिन इसमें आपका वॉट के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब आएगी, ठीक है, इसमें है वॉट के बाद पहले कोड है, तो इसमें जो सही सेंटेंस होगा वो होगा आपका बी, वॉट द डॉक्टर वॉन्टेड टू नो वॉट ही कुड डू फॉर हर, बी इसमें आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो क्लास में मैंने 18 क्वेश्चन कराए हैं और 25-25 क्वेश्चन के जो पूरे फुल मॉक टेस्ट हैं या फुल प्रैक्टिस सेट हैं 2017 के सारी शिफ्ट के, वो मैं अपने टारगेट बैच में करवाऊंगा सभी स्टूडेंट्स को और कुछ क्वेश्चन उसके यूट्यूब पे भी मैं अपलोड करूंगा। और टारगेट बैच यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, Tier 1 के लिए एक्सक्लूसिवली भी कर सकते हैं और पूरा जो कॉम्बो है Tier 1, Tier 2, Tier 3 के लिए भी इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इसके रिगार्डिंग इन नंबर्स पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे, थैंक यू।